हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आप सभी लोग जानते होंगे कि 1956 में रीऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, और 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पे फॉर्म हुए थे। उसके बाद वो सारे कुछ स्प्लिट हुए, कुछ उसमें से पार्ट्स अलग करके बना दिए गए। तो कब किसको यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट का स्टेटस मिला, जो कि उसका प्रेजेंट स्टेटस भी है, तो उस बेसिस पे मैंने बनाया है। और 1956 ईयर ऑफ रेफरेंस लिया है कि 1956 में क्या था उसका, ठीक है, या फिर उसके बाद अगर चेंज हुआ है तो मैंने वो चेंज्ड ईयर लिख दिया है। इससे आपको इजी होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, या फिर रेफरेंस बनाया जा सकता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इन्हें स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को। आप जानते हो रेड में जितने भी है ये यूनियन टेरिटरी के स्टेटस इन्हें मिले हुए हैं, और जितने ब्लू में हैं ये सारे स्टेट्स हैं हमारे। ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लद्दाख है एंड ये जम्मू एंड कश्मीर। तो दोनों को ही 2019 में चेंज किया गया था, और दोनों ही अभी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, देन जो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इसे 1971 में मिला था स्टेटस स्टेट का। ओके, पंजाब को 1966 में स्टेटस मिला था स्टेट का, पहले पंजाब नहीं, पहले पेप्सू हुआ करता था। ओके, सो 1966 में हरियाणा को भी मिला था स्टेट का स्टेटस। देन उत्तराखंड को 2000 में मिला था स्टेट का स्टेटस। दिल्ली को मैंने अभी नीचे लिख रखा है, वो दिखा दूंगा आपको। राजस्थान 1956 में जैसा था आज भी वैसा ही है। ओके, स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है। जो ये हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये 1960 में सेपरेट किए गए थे, पहले बॉम्बे हुआ करता था। ओके, सो इन्हें 1960 में स्टेट का स्टेटस मिला था। मध्य प्रदेश को 1956 में स्टेट का स्टेटस मिला, एंड यूपी भी 1956 में स्टेट था। ओके, पहले से बन गए थे लेकिन 1956 में जब रीऑर्गेनाइज हुआ तो ऐसे ही किए गए। यूपी का नाम भी पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, आपको पता होगा। ओके, देन यहाँ पे आप गोवा देख सकते हो, 1987 में गोवा को स्टेट का स्टेटस मिला, पहले यूनियन टेरिटरी भी रह चुका है ये। ओके, देन ये कर्नाटक, यहाँ पे दो डेट क्यों लिखी हुई हैं, बिकॉज पहले मैसूर था। ओके, 1956 में स्टेट यही था लेकिन इसका नाम मैसूर था, 1973 में कर्नाटक रख दिया गया। देन केरल 1956 में इसे स्टेट का स्टेटस मिल चुका था। 1956 में तमिलनाडु को भी स्टेट का स्टेटस मिल चुका था, बट नेम चेंज किया गया था। नेम जो तमिलनाडु आया वो 1967 में आया था इसका। ओके, इसका पुराना नाम क्या था वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, देन 1956 में आंध्र प्रदेश को भी मिल गया था, तभी ये पूरा था, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों ही मिलके ये पूरा फॉर्म करते थे आंध्र प्रदेश। बट बाद में 1956 से पहले ही आंध्र प्रदेश बन गया था, बट मैं 1956 को रेफरेंस ईयर मान रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1956 लिखा है। अदरवाइज वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश फर्स्ट जो स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। ओके, तो 1953 में ही बन गया था, बट मैंने 1956 को रेफरेंस ईयर लिया इसलिए यहाँ पे 1956 लिखा है। ओके, 2014 में तेलंगाना को स्टेट बना दिया गया अलग, वो आपको पता है। देन यहाँ पे ओडिशा 1956, छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था, उत्तराखंड भी 2000 में अलग हुआ था, एंड बिहार झारखंड से, झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। बिहार भी 1956 में जैसा था वैसा ही है, बस पार्ट एक सेपरेट किया गया है। ओके, देन वेस्ट बंगाल 1956 में जैसा था वैसा है। 1975 में स्टेट का स्टेटस सिक्किम को भी मिल गया था। देन यहाँ पे ये है नॉर्थ ईस्ट पूरा, असम जो था इससे ही सब सेपरेट हुए हैं धीमे धीमे करके, बट असम का नेम जो है वो सेम है एज इट इज़ 1956 से। ओके, अगर कोई चेंजेस अगर आपको लगते हैं कुछ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है तो आप, अगर आप ऑफकोर्स जानते हो तो बता सकते हो। ओके, बट मैंने पूरा ट्राई किया है, सब ढूंढ ढूंढ के किया है, तो गलती के चांसेस बहुत ही लेस हैं, माइन्यूट हैं। ओके, सो 1987 में ये सब करेक्ट ईयर है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को मिल गया था स्टेट का स्टेटस। 1963 में नागालैंड को, सबसे पहले नागालैंड को ही मिला था असम के बाद। ओके, 1963 में। देन 1972 में यहाँ पे आप देख सकते हो नागालैंड के नीचे क्या आता है, मणिपुर, और यहाँ पे त्रिपुरा है। ओके, मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में। देन ये हो गया हमारा मिजोरम, ये हो गया, एंड 1972 में मेघालय को भी स्टेट का स्टेटस मिल गया था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम जो है इन्हें स्टेट का स्टेटस मिला। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन कभी आ सकते हैं कि कब स्टेट का स्टेटस मिला इन्हें। ओके, पूछा नहीं गया अभी तक, बट देखते हैं।
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1956 में जैसा था दिल्ली को उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल थी ओके, बट एनसीटी का स्टेटस जो मिला वो बाद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वो 1991 में आया था ओके। देन अंडमान एंड निकोबार, ये तो पहले से ही था जब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी थे, तो पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था ओके। सो 1956 में भी ये यूनियन टेरिटरी था। लक्षद्वीप, इसका नेम 1973 में आया था, पहले आप जानते हो लक्कड़ीप बोलते थे LACCADIVE, और 1956 में ही ये बन गया था यूनियन टेरिटरी ओके, तब से सेम है। पौंडीचेरी 1962 में इसे यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला। चंडीगढ़ 1966 में, वही जब पेप्सू अलग किया गया था ओके। देन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन्हें पहले ये दोनों अलग अलग थे बट अभी रिसेंटली 2020 में इन्हें मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो आपको पता होगा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। सो लगभग यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 और 2 यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए थे। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर मेरा यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट, एंड अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो भी आप मुझसे बोल सकते हो ओके। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।